हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं फिफ्थ पोइम, नाइन्थ क्लास फिफ्थ पोइम, अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड का लीजेंड, लीजेंड क्या होता है? ओल्ड ट्रेडिशनल सॉन्ग होता है, ठीक है, पुराना पारंपरिक सॉन्ग। तो दिस पोइम नरेट्स द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हिज हर ग्रीड। ये स्टोरी बेसिकली एक ऐसा गीत है, पुराना गीत, जो एक बूढ़ी लेडी जो बहुत एंग्री कर देती है, किसको? सेंट पीटर को कर देती है, बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। ग्रीड मतलब अपने लालच के कारण, ठीक है। बेसिकली ये पोइम है, एक बाल्ड है। बाल्ड क्या होता है? जिसमें हम शॉर्ट स्टोरीज़ को सॉन्ग के माध्यम से बताते हैं, और अपने जो पुराना कल्चर है और जो हमारा फेमस जो लोक कल्चर है या फेमस कल्चर है उसको नरेट करते हैं, ओरली बताते हैं। जैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ऐसे ओरल रूप में बताया जाता है ना, वो बाल्ड होता है। और जिसको स्टेंजा के माध्यम से, शॉर्ट शॉर्ट स्टेंजा के माध्यम से स्टोरी को सुनाया जाता है। तो ये पोइम भी एक बाल्ड है, ठीक है। तो इसमें पोइटस जो कवित्री है वो क्या कहती है? अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। अब ये क्या कहती हैं कि बहुत दूर तक नॉर्थलैंड में, अवे अवे मतलब बहुत दूर दूर, नॉर्थलैंड में वेयर, जहाँ पर क्या होते हैं आवर्स मतलब दिन के घंटे क्या होते हैं, वा आर फ्यू, फ्यू मतलब बहुत कम, बहुत थोड़े होते हैं, एंड नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और रातें इतनी लंबी होती हैं, सो लॉन्ग इतनी लंबी होती हैं सर्दियों में, दैट दे कैनॉट स्लीप, वो सो नहीं सकते, दैम थ्रो कि वो सो कर बिता नहीं सकते, इतनी बड़ी रातें होती हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रिएंडर्स टू द स्लैज वेन इट स्नो, और जब वहाँ बर्फ पड़ती है तो वे क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बर्फ़ में गाड़ियों के साथ क्या जोड़ लेते हैं, रिएंडर। रिएंडर एक टाइप के डियर होती हैं, रिएंडर, डियर, डियर है ना लास्ट में, तो एक टाइप की डियर्स होती हैं जो बहुत तेज़ दौड़ती हैं, स्विफ्ट होता है काफ़ी फास्ट, फास्ट तेज़ी से दौड़ना, तो उनमें जोड़ लेते हैं। और स्लैज होता है जो इजीली बर्फ़ पे फिसल सके, ऐसी गाड़ियों को जोत लेते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, और बच्चे कैसे दिखते हैं, बियर्स कब, जैसे को रिच के बच्चे हों, इन देयर फनी एंड फ्री क्लोथ्स, वो फर वाले क्लोथ्स, ऐसे फनी फर वाले क्लोथ्स पहन लेते हैं, ऐसे लगते हैं कि वो रिच के बच्चे हैं, रिच के बच्चों की समान दिखाई देते हैं। दे टेल देम ए क्रूशियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। अब दे किसके लिए है, पीपल के लिए, जो नॉर्थलैंड के पीपल हैं वो टेल देम, देम किनके लिए आया है, बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए, कि दे पीपल वहाँ उनको, बच्चों को एक क्रूशियस स्टोरी सुनाते हैं, एक जिज्ञासा भरी एक स्टोरी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं है कि वो सच्ची है, इट्स ट्रू, मुझे, आई डोंट बिलीव, कवित्री कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं है कि वो सच्ची है, बट येट अगर तुम इसको सुनोगे तो तुम्हें कुछ लेसन ही मिलेगा। आई टेल द टेल टू यू मतलब ये जो मैं तुम्हें कहानी बताऊंगी तो उससे तुम्हें शायद कुछ लेसन मिल जाए, येट मतलब फिर भी कोई लेसन मिल जाए। स्टोरी सुने अब, बिल्कुल इजी पोइम है स्टोरी के माध्यम से। वंस वेन गुड पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, जब गुड पीटर, जो सेंट थे, संत थे पीटर, वो लिव्ड बिलो, जो संसार में, नीचे संसार में रहते थे, एंड वॉक्ड अबाउट इट, और यहाँ चलते थे, प्रीचिंग होता है उपदेश देना, उपदेश देते थे, जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसा कि वो करते थे आपको पता है। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, वो एक कॉटेज होता है कुटिया, कि एक वो कुटिया के द्वारे पे आए, स्मॉल बंगला बोल सकते हो आप इंग्लिश में इसको, वर्ड में,
इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी का वो राउंड करके, पृथ्वी की यात्रा करने के बाद वो कहाँ पे आए, एक कॉटेज के दरवाजे पर आई, वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक, जहाँ पर एक छोटी सी औरत क्या कर रही थी, मेकिंग बना रही थी केक्स, केक बना रही थी, एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, हर्थ होता है जिसको हम चूल्हा बोलते हैं ना, उस पे क्या कर रही थी, पका रही थी केक्स को, पका रही थी, ठीक है। एंड बींग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक टू गिव हिम ए सिंगल वन। एंड बींग फेंट, फेंट होता है बिल्कुल वीक हो जाना, कमजोर होना, विद फास्टिंग, फास्टिंग होना व्रत रखना, व्रत रखने से काफ़ी कमजोर हो गए थे, कौन, सेंट पीटर, फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, कि दिन लगभग खत्म होने वाला था, ही आज हर, ही किसके लिए आया, सेंट पीटर के लिए, हर किसके लिए आया, लेडी के लिए, कि उस ओल्ड लेडी से वो कहते हैं, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक, कि उसके केक के जो स्टोर है, केक्स का स्टोर है, गिव हिम ए सिंगल वन, उसको एक केक दे दे उसमें से, सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक, इसलिए वो लेडी क्या करती है कि बहुत छोटा सा केक बनाती है, बट एज इट बेकिंग ले, जैसे ही वो उसको पकाती है, सी लुकड एट इट, वो उसको इट किसके लिए है, केक के लिए, केक की तरफ देखती है, एंड थ्रो थॉट और सोचती है, इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, कि ये इतना बड़ा है कि मैं उसको दे नहीं सकती, टू टू, कि इतना लार्ज है कि ये मैं नहीं दे सकती उसको, देयर फोर, इसलिए सी नीडिड अनदर, इसलिए वो दूसरा बनाती है, नीड होता है गूंथना, एक टाइप से आटा गूंथना वगैरह, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और एक छोटा सा बना देती है, स्मॉलर मतलब उससे छोटा, ठीक है, बट इट लुक्ड व्हेन सी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, अब जैसे ही वो उसको देखती है, सी टर्न्ड इट, उसको पलटती है, टर्न मतलब उसको पलटती है, तो उसको लगता है कि ये उतना ही बड़ा हो गया जितना पहले वाला था, फर्स्ट था जो, वो ये भी उतना ही बड़ा हो गया है। देन सी टुक अ टीनी स्क्रैब ऑफ डो, डो होता है एक, जैसे आटे में से एक लोई का टुकड़ा लेते हैं ना, गोल गोल बनाते हैं, वो होता है डो, लोई बोल देते हैं जिसको, स्क्रैब मतलब स्मॉल पीस, टीनी मतलब छोटा, एक छोटा सा आटे का, आटे की लोई लेती हैं, एंड रोल्ड, उसको रोल करती है, इट एंड टू फ्लैट, उसको फ्लैट बना देती है, बिल्कुल समतल बना देती है, फ्लैट कर देती हैं, एंड बेक इट थिन एज अ वेफर, वेफर होता है बिस्किट जैसा, कि वो ऐसे बिस्किट जैसा पका देती हैं उसको, पतला सा, बट सी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो उसको भी नहीं दे पाती, कुडंट पार्ट मतलब उसको भी अलग नहीं कर पाती अपने आप को, फोर सी सैड, वो कहती है, माई केक दैट सीम टू स्मॉल, कि मेरे केक जो मुझे बिल्कुल सी मतलब मालूम होते हैं इतने छोटे, वैन आई ईट दैम माई सेल्फ, जब मैं खुद उसको खाती हूँ तब वो मुझे बहुत छोटे दिखाई देते हैं, एंड यट टू लार्ज टू गिव अवे, और जब मैं दूसरों को देती हूँ तो मुझे वही केक बहुत बड़े, लार्ज मतलब बहुत बड़े दिखाई देते हैं, सो सी पुट देम ऑन द सेफ, इसलिए वो सेफ में रख देती हैं उनको। देन गुड पीटर, सेंट गुड पीटर क्या हो जाते हैं, ग्रू एंग्री, इसे क्या हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं, फॉर ही वाज एंग्री एंड फेंट, क्यों हो जाते हैं, फॉर ही वाज हंगरी, हंगरी मतलब वो भूखा था, हंगरी था, और फेंट मतलब कमजोर हो गया था, क्यों, क्योंकि वो व्रत रखा था उसने, उन्हें कि वो भूखा था और कमजोर था, एंड श्योरली सच अ वुमेन वाज इनफ टू प्रोवोक एक सेंट, और श्योरली मतलब निश्चित रूप से सच अ वुमेन, ऐसी औरतें क्या कर देती हैं, इनफ काफ़ी होती हैं, टू प्रोवोक होता है एंग्री हो जाना, गुस्सा दिलाने के, ऐसे संत को, एक ऐसे संत को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी होती हैं। एंड ही सैड, और वह कहते, ही सैड, ही किसके लिए है, सेंट के लिए, संत क्या कहता है, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम इतनी सेल्फिश हो, इतनी स्वार्थी हो,
टू ड्वेल, ड्वेल होता है रहना, इन आ ह्यूमन फॉर्म, कि तुम ह्यूमन फॉर्म में रहने के काबिल नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हें शेल्टर मिले और फूड, शेल्टर मतलब आश्रय मिले, छाया मिले, और फूड मतलब भोजन मिले, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हें अपने आप को गर्म रखने के लिए फायर मिले, इसके लिए तुम काबिल नहीं हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, तुम ऐसे बिल्ड मतलब ऐसे घोंसला बनाओ जैसे बर्ड्स करते हैं, जैसे पक्षी करते हैं, एंड शैल गेट यूअर स्कैंटी फूड, और स्कैंटी होता मतलब वेरी लिटिल, बहुत थोड़ी सी मात्रा में भोजन प्राप्त करो, कि पक्षियों की तरह तुम्हें बहुत परिश्रम करो बिल्ड अपने भोजन मतलब घोंसला बनाने के लिए, और तुम्हें थोड़ा सा भोजन प्राप्त हो। बट बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल द डे इन द हार्ड एंड ड्राई वुड, और तुम हार्ड मतलब कठोर और ड्राई मतलब सूखी लकड़ियों में, बोरिंग होता है बोरिंग यहाँ पे ले छेद करना, कि तुम यहाँ वहाँ उनमें छेद करती रहो सारा दिन, तुम क्या करो वहाँ पे छेद करती रहो, ऑल द डे मतलब पूरा दिन तुम हार्ड और ड्राई वुड में छेद करती रहो। देन अप सी वेंट थ्रो द चिमनी, वो चिमनी में से वेंट थ्रो मतलब चली गई। नेवर स्पीक अ वर्ड, और एक भी शब्द नहीं बोला। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, और जब वो चिमनी के टॉप में से निकली, फ्लू मतलब उड़ गई, वुड पैकर बन के, वुड पैकर होते हैं कठफोड़ा जो लकड़ियों को खोदता है, तो वुड पैकर बन गई। फॉर सी वाज चेंज्ड इनटू अ बर्ड, क्योंकि वो अब एक बर्ड में बदल गई थी, एक बर्ड बन गई थी। सी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके हेड पे क्या था, एक स्कारलेट होता है ब्राइट रेड कलर की कैप थी उसके उसके हेड पे, सिर पे, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और वो सेम रही जैसे वो पहनने पहले ही पहन रखी थी, वही सेम रही। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्नड ब्लैक टू अ कोल इन द फ्लेम, और बाकी के रेस्ट मतलब बचे हुए सभी कपड़े बर्नड मतलब जल कर ब्लैक हो गए, एज अ कोल जैसे कोयले की तरह, इन द फ्लेम आग में जल कर वो सभी कोयले की तरह ब्लैक हो गए। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और स्कूल कंट्री मतलब स्कूल बॉय, सभी लड़के स्कूल के लड़के उसको, प्रत्येक लड़का उसको देखता है, हैड सीन हर इन द वुड, वुड मतलब उसमें जंगल में उसको देखता है, लकड़ियों में उसको देखता है। वेयर सी लिव्ड इन द ट्रीज, जहाँ पे वो पेड़ में रहती हैं, एंड टिल दिस वेरी डे, और आज तक वो पेड़ में रहती हैं, पेड़ों में रहती हैं। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और फूड के लिए भोजन के लिए उनको उनके उनमें छेद करती रहती है लकड़ियों में। तो इसकी पोइटेस है फोबे कैरी इसकी पोइटेस है, उन्होंने लिखा है। और देखो बाल्ड, मैंने बोला था आपको बाल्ड आ सॉन्ग, ये डेफिनेशन है बाल्ड की, बाल्ड इज अ सॉन्ग नरेटिंग अ शॉर्ट ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजा, छोटे छोटे स्टेंजों में स्टोरी नरेट करना, वर्णन करना, वो होता है बाल्ड। बाल्ड्स क्या होते हैं, बाल्ड्स आर अ पार्ट ऑफ फोक कल्चर होता है, लोक कल्चर का एक पार्ट होते हैं बाल्ड्स, पॉपुलर कल्चर का एक पार्ट होते हैं, और आर पास्ड ऑन मतलब पास किए जाते हैं आगे से आगे, ओरली मतलब बोलकर, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बोलकर इसको पास किया जाता है, आगे के आगे भेजा जाता है। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज अ बाल्ड, तो ये आपका लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड जो पोइम है ये भी आपका एक बाल्ड है। तो आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी, पोइम। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।